डेटा डेटा क्या होता है देखिए डेटा जब आप किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में किसी पर्सन के बारे में कोई भी फैक्ट फिगर्स नंबर्स मेजरमेंट जो करते हैं और उसके बाद जो भी चीज़ें आपके पास निकल के आती है उसको हम कहते हैं डेटा जो भी फैक्ट फिगर या फिर न्यूमरल्स होती है मेज़रमेंट होता है किसी भी पर्सन के बारे में उसको हम डेटा कहते हैं और जब आप उस पर कोई स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला लगाते हैं कोई एनालिसिस करते हैं टेबुलेशन करते हैं चार्टिंग करते हैं और उसके बाद उनमें से जो चीज़ें निकाल के आती हैं उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं उसको इन्फॉर्मेशन तो डेटा के ऊपर जब आप कोई एक्शन करते हैं उससे जो चीज निकल के आती है वो इंफॉर्मेशन होती है तो डेटा क्या हो जाएगा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये क्या है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए क्लियर तो रिसर्च डेटा क्या हो जाता है रिसर्च डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड ऑब्जर्व जनरेटेड और क्रिएटेड टू वैलिडेट ऑरिजनल रिसर्च फाइंडिंग यानी कि जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी फाइंडिंग के लिए जो भी हम डेटा जो भी हम चीजें कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्व करते हैं जनरेट करते हैं क्रिएट करते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं रिसर्च डेटा कहते हैं तो ये जो डेटा है ये दो टाइप होता है एक होता है प्राइमरी टाइप और एक होता है सेकेंडरी डेटा यानी डेटा टू टाइप्स प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा तो इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या मतलब है और कैसे आप इसको प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं क्लियर तो सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी डेटा तो प्राइमरी डेटा क्या होता है देखिए प्राइमरी डेटा मीन्स की वो डेटा जो जो कलेक्ट किया जाता है फ्रेश और जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है और वो डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हो वो डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड अप्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि वो पहली बार कलेक्ट किया आपने खुद ठीक है उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट प्राइमरी डेटा कहते हैं प्राइमरी डेटा ऑरिजिनली नेचर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू और प्रॉब्लम एंड करंट डेटा तो जो प्राइमरी डेटा होता है ये जो है करंट डेटा होता है क्योंकि आप ताज़ा ताज़ा फ्रेश डेटा कलेक्ट करते हो और वहीं पे ये जो रियल प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड डेटा ही होता है अब आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो तो बट ऑब बात है कि आप वही डेटा कलेक्ट करोगे जो आपके रिसर्च से जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा और वो क्या होगा करंट होगा यानी कि आप दो में कोई प्रॉब्लम के लिए डेटा कलेक्ट करें तो दो का डेटा मिलेगा आपको पुराना डेटा नहीं मिलेगा कि दो

someone else and already some statistical process has been applied on that data तो वो data secondary data कहलाता है तो अभी आप देखिए primary data suppose करिए कि आप अपने college में school में admission लेने जाते हो तो जब आप लेते हो तो आप admission form fill करते हो जहाँ पर आपसे सारी details मांगी जाती हैं आपका नाम parents name mobile number address आपके previous qualification ये सभी चीज़ें वहाँ पर details मांगी जाती हैं तो वो क्या हो गया वो प्राइमरी डेटा हो गया वहीं पर क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है आपसे उसके बाद उसी डेटा का यूज जो है आपकी फैकल्टी आपके क्लास टीचर और फर्दर जो है आपके प्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा जब उस डेटा का यूज करके आप सपोज आपसे पूछा गया कि आपकी क्लास में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं तो ये डेटा कहां से पता चलेगा जो आपसे डेटा एडमिशन फॉर्म फिल कराया गया था तो उससे एक लिस्ट तैयार होगी लिस्ट से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं इतने जो है जनरल कैटेगरी के इतने ओबीसी कैटेगरी के इतने एस कैटेगरी के तो ये डेटा जो हम डेटा से इंफॉर्मेशन निकाला गया ठीक तो प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या हैं कलेक्शन मेथड क्या है प्राइमरी डेटा के कि आप प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो देखिए प्राइमरी डेटा के जो मेन तीन शोर्स होते हैं ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू और क्वेश्चनियर ये तीन इंपॉर्टेंट सोर्स है उसके बाद शेड्यूल होता है अदर मेथड भी होता है तो सबसे पहले आता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है ठीक है स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होगा कि आपको क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है कैसे कलेक्ट करनी है सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में होती हैं मतलब प्लांड होती हैं अन यानी कि अनप्लान्ड यानी कि आप गए आपने लोगों को ऑब्जर्व किया जो भी डेटा मिला आपने उसको कलेक्ट किया और उसके बाद उसको समराइज़ करते हैं अपने नीट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में आप पहले से ही प्लान होते हैं कि यहाँ जाना है ये करना है और यही डेटा कलेक्ट करना है तो ऑब्जर्वेशन यानी कि रिस्पॉन्डेंट्स को पता नहीं होता है लेकिन आप ऑब्जर्व करके उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो दूसरा मेथड होता है इंटरव्यू अब इंटरव्यू जो है वो पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू आप ले रहे हो या टेलीफोनिक यानी कि आप टेलीफोन पर इंटरव्यू ले रहे हो तो इंटरव्यू में क्या है वर्बल है आप क्वेश्चन पूछोगे सामने वाला आंसर देगा तो यहाँ पर भी क्या है अस्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है क्लियर स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे जो है आप प्लान करोगे कि ये ये क्वेश्चन सिक्वेंस में पूछे जाने हैं इंटरव्यू में वहीं पर अनस्ट्रक्चर्ड में जो आपसे बातचीत होती गई उस तरीके से जो

इंटरव्यू से हम लार्ज डेटा के लिए नहीं कलेक्ट कर सकते हैं कुछ दस लोगों से बीस लोगों से आपको डेटा कलेक्ट करना है तो इंटरव्यू कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं लेकिन जब आपको हजारों लोगों से पांच सौ लोगों से डेटा कलेक्ट करना है तो वहां पर सभी को आप एक एक करके इंटरव्यू और फिर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा तो वहाँ पर आप क्वेश्चन का यूज करते हो सब एक क्वेश्चन बनाया सभी को भेज दिया उन्होंने रिस्पॉन्स फिल करके आपको वापस भेज दिया तो क्वेश्चन क्या है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को आप भेज देते हो वो फिल करके दे देते हैं वहीं पे जो तीसरा मेथड

तो वो शेड्यूल होता है तो दोनों ही तरीका है दोनों में ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं बस एक को रिस्पॉन्डेंट खुद भरता है वो क्वेश्चन हो गया जिसको खुद नहीं भरता, बल्कि भरता है वो शेड्यूल हो गया तो यहाँ से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो करंट डेटा मिलता है उसके बाद बहुत सारे हैं जैसे वारंटी कार्ड हो गया मैकेनिकल डिवाइसेस का हो गया जैसे कि आप सीसीटीवी कैमरा देखते हैं साइको गैल्वनोमीटर देखते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल डिवाइसेस जिनका यूज़ करके आप जो डेटा कलेक्ट कर सकते हो ऑडिट्स बहुत सारी चीज़ों की ऑडिट्स आप करते हैं वहाँ से भी आपको प्राइमरी डेटा निकल के आता है तो ये जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के यानी कि करंट डेटा कलेक्ट करने के लिए फ्रेश डेटा कलेक्ट करने के लिए अब हम बात करें सेकेंडरी डेटा तो सेकेंडरी डेटा आप देखेंगे कि उसके क्या मेथड है क्या सोर्सेज हैं तो देखिए सेकेंडरी डेटा बट ऑविय ऑलरेडी कलेक्टेड है आप उसको सिर्फ यूज कर रहे हो ठीक है ऑलरेडी किसी ने दूसरे ने कलेक्ट किया है तो प्राइमरी जो सेकेंडरी डेटा होता है वो दो तरीके का हो गया एक इंटरनल हो गया एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया इंटरनल यानी कि जो आपकी कंपनी के अंदर खुद ही अवेलेबल है आप उसको यूज कर लीजिए एक्सटर्नल यानी कि कहीं दूसरे किसी ने उसमें रिसर्च किया है तो इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या सकते हैं जैसे कंपनी का खुद का रिकॉर्ड हो गया एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया सेल्स रिकॉर्ड हो गया फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया या फिर कोई अदर रिकॉर्ड्स हैं आप जो कंपनी के अंदर हैं उसका यूज कर सकते हो अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेकिन अब इंटरनल कंपनी के अंदर नहीं है तो आप बाहर की चीजों कर सकते हो तो एक्सटर्नल सोर्स में आ जाते हैं जैसे कि पब्लिश डेटा अब वो पब्लिश डेटा कोई गवर्नमेंट एजेंसी जो है पब्लिश uh, कर रही या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रहे हैं आपने बहुत सारे डेटाज uh, देखे हुए जैसे डब्ल्यू ने एक रिपोर्ट निकाली या फिर यूएन ने कोई रिपोर्ट निकाली या फिर नासा ने कोई पब्लिश किया या डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आए दिन जो है सेंसस सी uh, और जो है सी एस यानी कि सेंट्रल स्टेट्स का ऑर्गेनाइजन नेशनल सैंपल सर्वे ये लोग जो है डेटा पब्लिश करते रहते हैं सर्वेज हो गए ठीक है तो इन सबका डेटा जो पब्लिश होता है उसको जो आप अपने रिपोर्ट के लिए अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं तो वो क्या है एक्सटर्नल हो गया, लेकिन सेकेंडरी डेटा क्योंकि वो डेटा आपने खुद नहीं कलेक्ट किया किसी और ने कलेक्ट किया एनालाइज किया आपने सिर्फ उसको यूज किया ठीक इसी तरीके से बुक्स हो गए मैगजीन्स हो गए जर्नल्स हो गए न्यूज़पेपर्स हो गए वेबसाइट्स हो गए ये सब भी क्या है सेकेंडरी सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं किसी और ने बुक लिखी उसका कंक्लूजन आपने यूज़ किया किसी और ने मैगजीन छापा उसका यूज आपने किया जर्नल्स न्यूज़पेपर्स हैं और ही कलेक्ट कर रहा है और उसको जो है न्यूज आपको प्रोवाइड कर रहा है आप उसको यूज कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ये क्या है ये सेकेंडरी डेटा के एक्सटर्नल सोर्सेज हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं तो ये जो है प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है तो देखिए प्राइमरी डेटा क्या हो गया कि जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है और आप खुद कलेक्ट करते हो रिसर्चर जो खुद कलेक्ट करता है वहीं पे सेकेंडरी डेटा कोई दूसरा पर्सन कलेक्ट करता है प्राइमरी डेटा जो है वो रियल टाइम डेटा होता है यानी कि करंट डेटा होता है वहीं पर सेकेंडरी डेटा पास्ट डेटा होता है जो यानी कि आज ही का हो हो सकता है किसी दूसरे ने एक दो साल पहले करके रखा हो प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो है वो एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा वहाँ पर खर्चा ज़्यादा सेकेंडरी डेटा एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी छपा है आपने क्या है आपने परचेज किया वो लेके चले आपने डेटा यूज़ कर लिया बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी डेटा होते हैं जो ऑफ कॉस्ट होते हैं वेबसाइट अवेलेबल है आपने डाउनलोड कर लिया ठीक है तो ये जो है कलेक्शन का टेक्निक होता है जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का टाइम होता है उसमें टाइम ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वहीं पर सेकेंडरी डेटा जो है वो शॉर्ट है आप चुटकियों में किसी ने कॉपी किया चले आए लेके तो वहां पर टाइम ज्यादा नहीं लगता है ठीक प्राइमरी डेटा जो है वो क्रूड फॉर्म में होता है यानी कि अभी आप वो जो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसको आप स्टेटिस्टिकल टूल्स का यूज करोगे उसके बाद इंफॉमेशन निकल के आएगा लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि वो ऑलरेडी रिफाइंड फॉर्म में होता है यानी कि किसी ने कलेक्ट किया है कलेक्ट करने के बाद उस पर स्टेटिस्कल टूल का अप्लाई किया उसके बाद उसमें से इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाल लिया है तो ये जो है कुछ डिफ्रेंसेज भी होते हैं तो होप कि आपको क्लियर होगा प्राइमरी डेटा क्या है सेकेंडरी डेटा क्या है प्राइमरी डेटा वो डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हो अपनी प्रॉब्लम के लिए सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो किसी और ने कलेक्ट करके रखा हुआ है अपनी प्रॉब्लम के लिए उसका यूज आप करते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो सेकेंडरी डेटा होता है सेकेंडरी यानी सेकेंड पर्सन ने प्राइमरी यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आपने रिसर्चर ने खुद कलेक्ट किया हुआ है विश यू ऑल द बेस्ट कीप पॉचिंग